हेलो फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी अभी बीच में, इस वजह से मैं वीडियो बना के नहीं डाल सका। मैं ये थोड़ी वीडियो बना के डाल रहा हूँ फ्लोरिंग में केमिकल से टाइल्स लगाने का, कैसे बताते। ये केमिकल मिला चुके हैं अपने अल्ट्राटेक सीमेंट का, और केमिकल भी वही है फ्लोरिंग के टाइल्स के ऊपर। टाइल्स पे किस तरह लगाते हैं केमिकल में, ये मैं आपको बताता हूँ। देख रहे हैं ये केमिकल टाइल्स पे हम लोग लगा दिया इस तरह से। होल एकदम मिक्सिंग होना चाहिए इसका। फ्लोरिंग पे टाइल्स पे टाइल्स लगा रहे हैं अपने। इसमें 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा केमिकल नहीं चढ़ना चाहिए। और इसमें हम लोग साथ में फ्रेमिंग का काम भी हो रहा है यहाँ पर, और ये फ्रेमिंग के धार वगैरह सही करने के लिए ऐसा प्लास्टर करना पड़ता है धारों पर। उसके बाद में ग्रेनाइट की फ्रेमिंग का काम होगा। और ये गेट भी जो है बड़े कर रहे हैं हम लोग, तोड़ के इसको बड़ा करते हैं हम लोग माप के हिसाब से, क्योंकि पत्थर में वो लगेगा तो उससे गेट छोटा हो जाता है। तो हम लोग पहले गेट का जो मेजरमेंट है उससे बड़ा करते हैं हम लोग, थोड़ा मशीन से कटिंग करके उसको सीधा काटना पड़ता है। हम देख सकते हो ये वीडियो में लेबर इस तरह से कटिंग कर रहा है ये गेट की फ्रेमिंग के लिए। इसमें फ्रेमिंग का काम होगा अभी, आप देखना। फ्रेमिंग के लिए हम लोग ये ग्रेनाइट का ये पीछे इस तरह से जो केमिकल है वो लगा करके इसे पीछे से रफ कर देते हैं। और देखिए आप लोग देख सकते हो फ्रेमिंग लग चुकी है यहाँ पर केमिकल में, ये फिटिंग हो चुका है इसमें ब्लैक ग्रेनाइट में। और ये फ्लोरिंग की टाइल्स भी यहाँ नीचे लग चुकी है अपनी दीवार में, कॉफ़ी और नीचे भी कॉफ़ी कलर में टाइल्स से मैचिंग। ये लगने के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ चुकी है। नीचे फ्लोरिंग कॉफ़ी है और ब्लैक ग्रेनाइट की फ्रेमिंग है इसमें, और नीचे पूरी बॉर्डर बनी है ब्लैक ग्रेनाइट में। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।